तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक निकाल दिया गया है। तो लिंक मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं ये फॉर्म कैसे भरना है वो आप जाने, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हम पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम वीडियो में आपको बताएंगे आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके बाद हम बात करेंगे कोर्सेज की, उसके बाद हम आपके लिए बात करेंगे कुछ कॉलेजेस की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आपके लिए हो सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे ये ऑल ओवर वीडियो रहे, आपके रजिस्ट्रेशन के सारे डाउट्स को यहां पर क्लियर कर लें। अब सबसे पहले काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कोरोना की वजह से डिले होते जा रहे थे, तो वो कब निकलेंगे, तो फाइनली आज वो निकल गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एडमिशन पोर्टल तक जाने का। तो आप सभी को पता है कि हर साल यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और पीएचडी कोर्सेज के लिए यहां पर आपके लिए एप्लीकेशन मंगाती है, तो अगर आप किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिंक पर जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि यूजी कोर्सेज के लिए, अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बात करें, तो ट्वेल्थ के अभी एग्जाम भी नहीं हुए हैं कई सब्जेक्ट्स के और रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है, तो उस केस में आप लोगों का ये डाउट आ रहा होगा कि जी मार्कशीट कहां से लाएं, तो अभी आपके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन खोला गया है। जो जो डिटेल्स आपके पास है उन्हें फुलफिल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। जब आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एक और बार पोर्टल ओपन किया जाएगा जब आपको मार्क्स वगैरह सब कुछ अपडेट करना होगा। लेकिन अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूं तो वहां पर आपके लिए आपके पास सारी मार्कशीट्स होंगी, लेकिन अगर आपकी जो मार्कशीट्स नहीं है, जैसे आप कहें कि जी ग्रेजुएशन का मेरा तो अभी कुछ नहीं आया, तो टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, मार्क्स वगैरह अपडेट करने के लिए। इस केस में अगर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी उनको आप फुलफिल कीजिए, कॉलम्स को फुलफिल कीजिए। अब आपके लिए क्या क्या डिटेल्स पूछी जाएंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हम डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता देते हैं आपको क्या क्या चाहिए होंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहली चीज तो चाहिए होगी आपको अपनी स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटो, अब दूसरी चीज आपको चाहिए होगी आपका स्कैन सिग्नेचर, ठीक है, और तीसरी चीज आपको चाहिए होगी आपके लिए आपके स्कैन मार्कशीट्स जो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए बात करें तो आपके लिए टेंथ की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए उस टाइम पर, और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करूं तो उनके लिए टेंथ की, ट्वेल्थ की और ग्रेजुएशन कॉलेजेस की जो भी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए स्कैन। अब आप उसे स्कैन कर लीजिए, उसके ऊपर साइन करके रख लीजिएगा ताकि वो वेरीफाइड भी हो, तो अगर आपको कोई भी वेरीफाइड मांगे, साइंड मांगे, तो भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए तीसरी चीज तो आपको चाहिए वो है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस या सीडब्ल्यू कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एक सर्टिफिकेट होती है, आपको वो सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करनी होगी। अब वो सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2020 के बाद की बनी हुई होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी वो भी फुलफिल नहीं है तो आप अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी कैटेगरी भर दीजिएगा जो आपकी कैटेगरी है वो। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स कोटा से, इस बार जो है स्पोर्ट्स ट्रायल वगैरह से एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स कोटा से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज के थ्रू ही यहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा, तो आप अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं और वहां पर सर्टिफिकेट के हिसाब से मार्किंग की जाएगी। फिर हम बात करते हैं आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस की, तो रजिस्ट्रेशन फीस सेम की सेम रहने वाली है जो 2019 में थी आपके लिए, यानी यूजी के लिए थी वो 250 रुपए और 750 रुपए यहां पर आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अब आप चाहे किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कर दीजिए। जहां पर आपके लिए मेरिट बेस्ड चीज होंगी, मेरिट बेस्ड जो कट ऑफ होती है, वहां पर आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं और वहां पर आपकी सिंगल फीस लगेगी। लेकिन अगर आप दूसरे एंट्रेंसेज की बात करते हैं तो आप जितने मर्जी एंट्रेंस दे सकते हैं, साथ ही साथ एंट्रेंस जब आप देंगे तो आपके लिए फीस अलग अलग आपको दोबारा से पे करनी पड़ेगी। अब जहां पर आपकी फीस पे हो जाएगी वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जब तक आप फीस पे नहीं करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा, तो फीस पे करना बहुत जरूरी है, वो कंफर्मेशन आपकी बहुत जरूरी है। जितनी भी डिटेल पूछी जाए आपसे एक एक को करके ध्यान से देकर बारी बारी अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से उनको पढ़कर कवर कीजिएगा। अब यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि डॉक्यूमेंट वगैरह आपको क्या क्या चाहिए होंगी, तो वैसे तो अभी टॉप फोर रूल की बात नहीं की जाती है, ना उसकी जरूरत है यहां पर आपके लिए। देखिए अभी बेस्ट फोर की कोई भी बात नहीं है, कट ऑफ की भी कोई बात नहीं है, मार्क्स पे अपडेट करने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया आप उसको फुलफिल कर दीजिए और जितनी डिटेल्स आपसे मांगी गई है उसे आप फुलफिल करके इंश्योर कर लीजिए कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है, दोबारा मार्क्स भरने के लिए आपके लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो इस केस में आप लोगों के पास कई चीजें ऐसी होंगी जो आपके पास नहीं होंगी, तो उसकी चिंता मत कीजिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो भी आप भर दीजिए, वो आपके लिए प्रोवाइड कराने के लिए आपको एम्पल टाइम दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, फॉर्म अगर आप भर देंगे
तभी कुछ आगे हो पाएगा। फॉर्म भर दीजिए, फीस पे कर दीजिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। एक डिटेल वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए गाइडलाइंस की मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि एक अगर हो पाया तो मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए भी आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जब आप फॉर्म फिल कर दें और पेमेंट कर दें तो दोनों ही चीजों के लिए आप एक जरूर अपने लिए कॉपी अपने पास कंप्यूटर पर सेव कर रख लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है कि आप स्कैन कैसे करें, फोटो स्कैन करने के बाद साइज जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। यहां पर बहुत सारे चीजें अवेलेबल है, जो भी आपको करना हो ऑनलाइन कंप्रेस करके टाइप कीजिएगा गूगल पे और आपको हजारों वेबसाइट यहां पर मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हो जाएंगी। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हिसाब से बची हुई है, लेकिन अगर फिर भी कोई गाइडलाइंस यहां पर आती है तो मैं आपके लिए गाइडलाइंस के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब इस केस में अगर आप कोई अपडेट मिस कर भी जाते हैं तो चिंता मत कीजिएगा, वो जल्दी से आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट बसता है इस वीडियो के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और दोस्तों को तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें शेयर जरूर कर सकते हैं। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।